नमस्कार। नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में दिवाली के टॉप पिक्स क्या रह सकती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो बुलियन कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है कि चांदी में 58,000 के सपोर्ट से काफ़ी बढ़िया एक रिकवरी देखने मिली है, लगभग 66,800 तक के स्तर भी देख लिए हैं और फिलहाल प्राइजेस जो हैं वो रिकवर कर रही हैं या करेक्शन जिसे हम कहते हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो 63,000 के करीब एज ऑफ नाउ प्राइजेस चल रही हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ से जो डाउनसाइड होगा वो थोड़ा लिमिटेड हो सकता है, यानी लगभग 62,000 से 61,000 के बीच एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकती है और यहाँ से दोबारा तेज़ी जो है वो उभर कर आ सकती है। तो 62,000 के नीचे अगर प्राइजेस मिलती हैं तो डेफिनेटली एक बार बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस 67,000 और ओवरऑल अगर आप 2 महीने का नज़रिया लेते हैं तो 68,500 तक के स्तर भी हमें देखने मिलेंगे चांदी में, ऐसा मेरा मानना है। वहीं गोल्ड में भी हमने 45,600 के स्तर जो अगस्त सितंबर में देखे गए थे वहां से रिकवरी देकर 48,300 तक के स्तर भी देखे थे पिछले महीने के एंड आते आते और फिलहाल जो है करेक्शन देखने मिली है। तो ऐसा लगता है कि 46,800 से 47,000 के बीच डोमेस्टिक गोल्ड यानी MCX गोल्ड पर भी एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और वहाँ से तेज़ी दोबारा जो है वो रिज्यूम हो सकती है। तो गोल्ड में भी तेज़ी मैं प्रेफर करूँगा। इमीडिएट टारगेट 48,300 का ही होगा जो एक बैरियर है और जो काफ़ी समय से निकला नहीं है, यहाँ तक कि जून से लेके हम देख रहे हैं कि 48,300 से 48,500 तक के स्तर फिलहाल नहीं निकल रहे, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट टर्म ये टारगेट लेके चला जा सकता है और यदि प्राइसेस उसके ऊपर भी सस्टेन होने में कामयाब होती हैं तो 49,200 तक एक एक्सटेंडेड रैली हमें देखने मिल सकती है। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही डिप पे बाइंग एडवाइज्ड है और इसमें एक डिसेंट रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अगर 47,000 से हम 48,500 तक का भी रिटर्न पकड़ लेते हैं तो लगभग 3% रिटर्न हमें नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में मिलने की उम्मीद है और हो सकता है कि साल का एंड आते आते यानी दिसंबर एंड तक हमें लगभग 49,200 तक के लेवल भी देखने मिले। वहीं चांदी में जस्ट टू रिपीट 61,000 से 62,000 के बीच अच्छे सपोर्ट जोन हैं। 60,000 के नीचे के स्टॉप लेकर बाय किया जा सकता है, अपसाइड में 67,000 के इमीडिएट टारगेट के लिए और ईयर एंड का टारगेट जो है जो कैलेंडर ईयर एंड है वो 68,500 का लेके चला जा सकता है। वही एनर्जी कॉम्प्लेक्स में अभी क्योंकि ओपेक में अभी भी रिलक्टेंस है अपने प्रोडक्शन को या उत्पादन को बढ़ाने के लिए और 400,000 बैरल पर डे से ही बढ़ाने की बात चल रही है तो कच्चे तेल की डिमांड हाई होते हुए हमने देखा है जो हीटिंग पर्पस के लिए डिमांड है क्योंकि अभी US में और यूरोपियन कंट्रीज़ में चीन में विंटर सीज़न में हीटिंग डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसके चलते हमने देखा है कि कच्चे तेल का जो यूसेज है वो ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सप्लाई जो है कांस्टेंट रहते हुए देखा है, डिमांड बढ़ते हुए देखा है जिस वजह से कच्चा तेल डिप पे बाइंग अट्रैक्ट कर रहा है और जितनी हमने 6,000 के करीब की डिप्स देखी है वहाँ से करीबन 200 से 300 रुपये की एवरेज रिकवरी हमें टाइम एंड अगेन देखने मिलती है। तो इसके चलते ऐसा लगता है कि ओवरऑल जब तक 6,000 से 5,900 के ऊपर सस्टेन हो रही हैं प्राइजेस तब तक एक पोजिशनल रुझान जो है अब भी ऊपर की तरफ है। 6,320 का एक इमीडिएट टारगेट लेके चला जा सकता है और उसके ऊपर अगर दाम निकलते हैं तो लगभग 6,550 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे, यानी जो पिछले हाईस थे 6,425 के करीब वो एक बार प्राइजेस जो हैं निकालने में सक्षम हो सकती हैं। वहीं बेस मेटल्स में ऐसा लगता है कि कॉपर में 725 से 730 का एरिया जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और उससे बहुत ज़्यादा दाम नीचे जाते हुए नहीं दिखते तो उस एरिया में अगर कॉपर मिले तो 1 महीने के व्यू से लिया जा सकता है। अपसाइड में दोबारा हमें 775 से 780 तक के लेवल देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बेस मेटल्स में फ़िलहाल कॉपर में जो है तेज़ी का एक रुझान बना हुआ है पोजिशनल बेसिस पे, तो जो करंट करेक्शन है उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ में दिवाली की जो स्पेशल या टॉप पिक्स क्या रह सकते हैं। धन्यवाद।